Assalamualaikum दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों आज की वीडियो में हम बताने लगे हैं व्हाई फ्री फायर रिमूव अलाइट पास। ये बहुत ही अननोन फैक्ट की बात है, आज हम करने लगे हैं। वो किसी ने सोचा ही नहीं होगा बस आई कि भैया पास आइए भैया पास। हम इसका आपको फ़ायदे भी बताएंगे, नुकसान भी बताएंगे, और ये सबसे मेन है ग्रीना की स्ट्रेटजी। ये ग्रीना की स्ट्रेटजी है, इसलिए इसलिए उन्होंने भैया पास लाए हैं अलाइट पास को रिमूव करके। और ये भी तो हो सकता था कि ग्रीना अलाइट पास और भैया पास दोनों रखे। तो आइए ही आज के हमें जानने के, उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया आप लोगों ने, वीडियो को लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर दो, क्योंकि हम डेली के डेली ऐसे की ऐसी वीडियो ला रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो हमारा मेन टॉपिक है व्हाई फ्री फायर रिमूव अलाइट पास, ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है कि फ्री फायर ने क्यों रिमूव किया अलाइट पास को। ये ग्रीना की स्ट्रेटजी है, उन्होंने अपना रोस भी कवर कर लिया और इनको कोई नुकसान भी नहीं हुआ। और बहुत मज़े की बात आपको आज हमने बतानी है। तो वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब बेल आइकन और पे सेट तो कर ली होगी आप लोगों ने। तो ग्रीना ने अलाइट पास को रिमूव किया तो क्यों किया? अलाइट पास इन्होंने इसलिए रिमूव किया क्योंकि जो अलाइट पास का क्रेज था वो अब हो रहा था आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म, क्योंकि अब सीजन 1 और 2 के सिवा किसी अलाइट पास, जो भी अलाइट पास था उसका ज़्यादा क्रेज नहीं होता था, इसलिए ये ऐसे हो रहा है। लेकिन इन्होंने रिमूव करके एक और भी भला फ़ायदा किया है कि सीज़न 1 और 2 और 3 जैसे जाइए जो लेयर लेयर बंदा है उनको वापस ला, जितना भी अपने अभी तक लॉस हुआ था ना सालानी 90% तो इन्होंने अपना लॉस पूरे पाकिस्तान से, तो अपना बताया पाकिस्तान से जो नुकसान होता है वो 90% उन्होंने कवर कर लिया है। ये है ग्रीना का फायदा इन्होंने लाया। और क्योंकि अब इन्होंने क्या किया, भैया पास लाया लाइट पास की जगह, भैया पास बाजिश की जगह लेवर्स जो एक्सपीरियंस होता है वो लाया, और बाकी वो इसलिए लेके आए हैं क्योंकि इनका क्रेज भी ख़त्म हो रहा था, इन्होंने अपना लॉस भी जो था वो भी कवर करना था, इस वजह से इन्होंने अलाइट पास ले निकाल लिया। और वो दोनों इसलिए निकाल के क्योंकि लोगों ने कहना था कि ये ऐसे अलाइट पास ही करो इसको, क्योंकि अलाइट पास का इन्होंने एक सेकंड फॉर्म लाया है भैया पास, इसलिए इन्होंने ऐसा किया है क्योंकि आपको पता है लॉस, इनको लॉस जो हो रहा था उन्होंने वो कवर किया और अलाइट पास भी एक हिसाब का नहीं किया, बस आप लोगों को ये कह दिया कि अलाइट पास चला गया। और आप लोग भले वो कह रहे थे कि क्रिमिनल वापस नहीं आ गए, क्रिमिनल भी वापस आ गई, अलाइट पास वापस नहीं आ गया, अलाइट पास भी वापस आ गए, और अब जो हीरोइक शर्ट है वो बस जो है वो भी वापस आ ही जाएगी। और क्या पता कि जो सीज़न 2 इन्होंने को दिया जिनके पास पहले होते थे येलो गोल्डन कलर के वो भी वापस आ जाए, क्योंकि आप लोग भले जिनके पास अब कहीं कभी भी वापस नहीं आएगा, किसी को यकीन था कि अलाइट पास वापस आया या किसी को यकीन था कि क्रिमिनल्स वापस आएंगे, लेकिन आए कि ना आए इसलिए ग्रीना वालों का कोई भरोसा नहीं है। एक की वैल्यू बढ़ाते हैं फिर दूसरे उसी पर अगले की खत्म कर देते हैं, दूसरे जैसे कोई नई चीज़ आए पुरानी चीज़ की वैल्यू खत्म, पुरानी चीज़ है फिर नई चीज़ आए फिर उसके जो लास्ट टाइम आए थे वो उसकी वैल्यू खत्म। जैसे क्रोनो को देख लो, क्रोनो कलेक्टर, पहली बार मैं फ्री फायर को मैं कहने शुरू कर बोलने से पहले मैं फ्री फायर को बुरा या हेट नहीं कर रहा, मैं बस बता रहा हूँ ये वापस आ सकते हैं। ये वैसे मैं क्या है कौन से टॉपिक में मैं आ गया हूँ, सॉरी इन्होंने अलाइट पास इसलिए लाया है कि अपना लॉस खत्म करना था इन्होंने मेन बात, और अलाइट पास भी इन्होंने ख़त्म नहीं करना था। हाँ, आप लोगों के लिए जिन्होंने भैया पास खरीदा है उनके लिए एक और अच्छी बात है, जो ये भैया पास जो हर लेयर हो सकता है आगे वाले आने वाले 3 से 4 साल बाद। अब आप कहोगे कैसे, जैसे सीजन 1 और 2 लेयर था वैसे ही भैया पास का सीजन 1 लेयर होगा, कैसे? अगर जो इन्होंने जो लोगों ने जो लोग खेलते हैं वो चले जाए और नए फ्री फायर प्लेयर्स आ जाए तो फिर हो सकता है कि ये नए लेयर्स हो जाए। तो अब ये नहीं है कि अब सारे टपा टप करके खरीदने लग जाओ, ये इन्होंने बस इसलिए आपको बताया ना लॉस, इनको हो रहा था लॉस इसलिए ये ऐसे कर रहे हैं। और हाँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये फ्री फायर वालों का ये भैया पास जो है सीज़न 1 और सीज़न 2
प्लेयर हो सकते हैं भैया पास के, कैसे ये जो खेलने वाले लोग हैं वो छोड़ दे और नए फुल नए लोग हैं, जैसे खेलने वाले जो लोग थे वो तो अभी शायद हो, लेकिन जो नए लोग आए उनको सीजन 1 और 2 कितना रेयर था, वैसे ही ऐसे कर सकते हैं फ्री फायर वाले। बस आज के शॉर्ट की वीडियो थी, मैं फ्री फायर को हेट नहीं किया ना मैंने फ्री फायर को बुला के, बल्कि मैं फ्री फायर मेरी लव हुआ, इसलिए मैंने ऐसे मैं ये नहीं कह रहा, मैं बस ये कह लूँ लाइट बस वापस क्यों आई, इन्होंने लॉस कवर करना था, आई लाइट पास ही कह लो भैया पास आ, ठीक है, मैंने ना ज़रा भी फ्री फायर को नहीं दिया, बस बाय बाय अल्लाह हाफिज़ ऑल आप लोग मेरी बात। सॉरी गाइस वो रिकॉर्डिंग रुक गई थी, अब मेरी बात सुनिए कि अब मैं फ्री फायर मेरी लव हुआ, फ्री फायर मेरी लव, मैं सब कुछ मेरी फ्री फायर ही है, मैं ये नहीं आप लोगों को कह रहा कि फ्री फायर ने ऐसे करती है, फ्री फायर ऐसे करती है, मैं बुरा नहीं कह रहा, लेकिन फ्री फायर का जो भुया पास है मैं इतना ही बताया कि वाई लाइट पास मूव एंड वाई सीजन 1 और 2 इज रिटर्न, मैंने बस यही बताया है, वही नाम उन्होंने बदला और लाइट बाजिश की जगह लवर्स लग गया, ठीक है, बाकी बस यही है आज की वीडियो के लिए, लेकिन दोबारा कह रहा हूँ बुरा ना करना, मैंने इसमें बता दिया है कि ये फ्री फायर वालों ने लाइट पास क्यों लाए, लॉस हो रहा था इनको, वो उन्होंने कवर कर लिया है, इसको कहते स्ट्रैटेजी। अब इसमें आपको मैं दोबारा बता देता हूँ इसका फ़ायदा क्या है, आने वाले वक्त में सीजन 1 2 रेयर हो सकते हैं दोबारा, और स्ट्रैटेजी तो आपको बता दी लॉस कवर करने के लिए, और नुकसान क्या है, नुकसान ये है उनके लिए, मैं दोबारा कह रहा हूँ मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, नुकसान है गोल्डन के लिए, क्योंकि फिर वो कोई और दे देंगे, जैसे गोल्डन लाइट पास दिया होगा फिर कोई और लाइट पास दे देंगे, वैसे ही पिंक लाइट पास दे देंगे, फिर वापस कभी नहीं आएगा, ऐसे नहीं होता गाइस, ग्रीना वालों का कोई भरोसा नहीं है, और बाकी आज के लिए बस इतना ही था, ग्रीना महिला फ्री फायर इज माई जान, ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑल पे सेट कर देना, ओके बाय बाय, मैं दोबारा बार बार कह जा रहा हूँ कि फ्री फायर इज माई लव एंड ग्रीना इज माई लाइफ, ओके आज के लिए बस इतना ही था, वीडियो को लाइक सब कुछ कर देना, तो अब हम मिलेंगे इंशाल्लाह कल, आप कमेंट में हेट ना देने लग जाना, ओके ओके अल्लाह हाफिज़।